बनाते हैं आज बहुत ही सुपर टेस्टी चीज बॉल बनाते हैं, फिंगर रोल बनाते हैं और चकरी रोल बनाते हैं, और बहुत सिंपल सा थोड़े थोड़े आइटम से। तो राम राम प्रणाम, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहे, चलिए देखिए क्या क्या है, बहुत सुपर टेस्टी वाला नाश्ता है, चलिए फिर एंजॉय करें। दोस्तों आज दो आलू और सूजी से बहुत ही टेस्टी सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसमें तेल की मात्रा बहुत ना के बराबर रहेगी। तो चलिए फिर, पौना कटोरा हमने सूजी ले लिया है, दो छिले हुए आलू ले लिए हैं, और आलू को हमने बढ़िया से छील लिया है, पानी में डाल दिया ताकि काला ना हो। इसके बाद फिर हम ले लेंगे, सूजी हो गया, आलू हो गया, और हरा मिर्चा काट लिए हैं, अदरक का पेस्ट ले लिए हैं, नमक ले लिए हैं, और कढ़िया चढ़ा देंगे। इस कढ़िया में हम दो बूंद तिल का तेल डालेंगे, तेल आप अपनी पसंद से डाल लें, घी डाल लें, सरसों तेल डाल लें, चाहे तिल का तेल डाल लें, चाहे रिफाइंड। अब इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी, और बढ़िया से पानी को गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें क्या क्या डालेंगे चलिए बताते हैं। नमक डाल दिया और कटा मिर्चा डाल दिया, हरा मिर्चा, और इसके बाद में हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, और इसके बाद में हम डालेंगे जीरा पाउडर, और डालेंगे हम ये लाल मिर्च कूटा हुआ दरदरा पाउडर, और इसके बाद इनको अच्छे से खोलने देंगे। अब आलू को अच्छे से हम घस लेंगे खूब बढ़िया से। अब इस आलू को हमने क्या काम किया है, 3 पानी धो लिया है, तो देखिए इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है, जो भी इसमें गलत चीजें हैं था तो वो खत्म हो गए। अब इसे हम क्या काम करेंगे, निचोड़ेंगे पानी, निचोड़ के इसे में डाल देंगे। अब इसको चला लेंगे बढ़िया से थोड़ा सा। अब इसी में हमें क्या काम करना है, इसे सूजी को ऐड कर देना है, सूजी ऐड करके चलाते रहना है बढ़िया से। बढ़िया से खूब मिला देना है ताकि गुठली ना पड़े, इसको चलाते रहना है अच्छे से। खूब बढ़िया से मिल गया है। अब इसको हमें क्या काम करना है, थोड़ा देर के लिए इनको ढक के रख देना है, जिससे ये रेस्ट कर लें और ठंडी भी हो, ठंडा भी हो जाए और अच्छे से फूल भी जाए। अब इनको कवर करके रख दिया। अब चलिए चटनी बनाते हैं। फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं, थोड़ी सी चार ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, 25-30 दाना मूंगफली गैस ऑन कर दिए हैं, इन्हीं को थोड़ा सा भून लेंगे। चटनी के लिए हमने ले लिया है 5 मिर्चा हरा ले लिया है, जैसा कि मैं बताया तीखा नहीं होता है, थोड़ा सा लाल मिर्च ले लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है, नारियल ले लिया है, और ये मूंगफली हमारी भुन गई है तो इसे भी डाल देंगे, छिलका नहीं उतारेंगे, और इसी में ये सारे आइटम डाल देंगे। फिर इसके बाद इसी में हम अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे, नमक डाल के अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। चटनी बहुत ही अच्छे से पीस गई है, फर्स्ट क्लास से एकदम चटनी तैयार है। अब इसको लगा देंगे फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लें, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो ठंडा हो जाए फिर आपको बताते हैं आगे कैसे कैसे मुझे क्या क्या डाल के बनाना है, कैसे बना, बहुत टेस्टी बनाना है। जी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हल्का सा तेल का मात्रा हाथ में लगाएंगे, लगा के इसको खूब बढ़िया से पहले आटे की तरह अच्छे से मार के खूब बढ़िया सॉफ्ट बना लेंगे। आज हम 2 तरीके का बनाएंगे इसी में नाश्ता, बढ़िया बढ़िया से हम आटे जैसा बना दिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे तेल, बहुत मामूली मामूली, देखो ब्रश के सहारे से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा तेल ना हो, हल्का तो रहेगा तभी तो सही रहेगा। ये 2 पीस हमारे पास क्यूब चीज़ बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ और कर दें, तो हमने कहा ना 2 तरीके का मुझे बनाना है, तो इसलिए हाथ को हल्का ग्रीस, अब हाथ को हल्का ग्रीस करेंगे। फिर इसके बाद गोली गोली लोई ले लेंगे अपने साइज का, जिस साइज में आप बनाना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसको बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके सब इकट्ठा कर देंगे। अब इसके बाद हम चीज को खोलेंगे बढ़िया से, अब चीज को ऐसे ले लेंगे, लेने के बाद में इसके 4 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि मुझे चीज अच्छा लगता है और चीज नुकसानदायक नहीं, नुकसान तभी कोई चीज़ करती है जब उसके लिमिट आप क्रॉस करते हैं, तो वो नुकसान करेगा।
कोई चीज भी खाएं लिमिट में खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। इस तरह से पूरा इसका मुंह पैक कर देंगे, पैक करके डाल देंगे। इस तरह से सारे क्यूब को, सारे चीज को अंदर डाल के सबका मुंह ऐसे बढ़िया से पैक कर देंगे। इसमें क्या बात, इस तरह से करके हमने पूरा कर दिया है। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा सेक लेंगे, घुमा फिरा के, और आँच को करेंगे धीमा, और इसके बाद इसको ढक देंगे। कितने आसानी से हो जा रहा है। अब इनको हम ढक देंगे, बढ़िया से पकने देंगे, और आँच के करेंगे एकदम स्लो। और दूसरा तरीका बताते हैं, एक और तरीके से बनेगा। हल्का सा हाथ में तेल लगाएंगे, फिर इसको लेंगे। अब दूसरा कैसे बनाना है, कई तरीके को बनाना है। अब इसका जो शेप आप देना चाहें, ऐसे करके चिकना चिकना गोला गोला ऐसे कर दो। और भी तरीके हैं, और भी तरीके मतलब कि ऐसे गोले गोले के और कर दो, सीधे सीधे छोटे छोटे बॉल बना लो। किसी को ऐसे फिंगर में बना लो, और पतले भी बना लो, जैसे आपकी इच्छा करे आप वो शेप दे सकते हो। हाँ, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसी में बारी बारी करके सबको डाल देंगे। और ऐसे करके चाकू के मदद से ही पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे, अभी थोड़ी देर होने देंगे फिर पलटेंगे। कितना बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो रहा है। देखिए चीज कैसे निकल आया है, थोड़ा थोड़ा अब पक चुका है ये। वह इतना आसान है बनाना कि कोई भी आसानी से बना ले। मेरा पक चुका है और बहुत टेस्टी बनता है, तो बनाइए खाइए। और इधर हमारा ये तैयार हो गया है छन के, और ये रोल वाला हमने डाल दिया है, फिंगर चिप्स की तरह जो होता है फिंगर रोल, इसे भी डाल दिया है। ये भी पक जाए फिर आप लोगों को अच्छे से हम दिखा दें वीडियो। इतना बढ़िया, देखिए सुनहरा कलर खूब बढ़िया खेल के आया हुआ है। अब बचे हुए बाकी के भी तल लेंगे। अब इन्हें भी धीरे धीरे करके डाल देंगे, हो जाए। आज मस्त पूरा परिवार इकट्ठा है, बच्चे इकट्ठा है, तो मन हुआ कि चलो चलते हैं बनाते हैं खूब टेस्टी सा। बने रहिए, देखिए कितना टेस्टी बन रहा है। और ये भी हमारा खूब बढ़िया से तैयार हो गया बॉल, इसके सब चटकने लगे पूरा। ये भी तैयार होने वाला है, इसे भी चल रहे हैं छान लेंगे। मस्त हमारा एकदम से तैयार हो गया है। क्या कहना है दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके।